अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ का पकवान। दोस्तों, पकवान तो आपने कई तरीके के बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं पकवान बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, इसे यूनिक और बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें मैंगो ऐड किया है, तो आप इसे मैंगो गुड़ का पकवान भी बोल सकते हो। इसका चाहे जो भी नाम हो, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल या किसी खास दिन पे बना सकते हो, या फिर आपका जब मीठा खाने का मन हो तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरेई किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम मैंगो ले लेंगे और उसको इस तरीके से कट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको बहुत ही मीठा आम लेना है। अब इसको जार में ढाल देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और बहुत ही बारीकी से इसको पीस लेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पीस लिया है दोस्तों। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कटोरी आम की प्यूरी ली है। अब हम ले लेंगे 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 कटोरी गुड़ का पानी ऐड कर देंगे। दोस्तों, गुड़ का पानी बनाना बहुत ही इजी होता है, बस गुड़ को गर्म पानी में उबाल लेना है, और तब तक उबालें जब तक कि गुड़ बहुत ही अच्छी तरीके से पिघल ना जाए, और फिर उस पानी को अच्छी तरीके से छन्नी से छान लें तो गुड़ का पानी बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कटोरी रवा यानी कि सूजी। अब इसमें 2 कटोरी मैदा ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने सिंपल गुड़ का पकवान भी बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहां जाके आप उसे देख सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। जब तक इसका अच्छा सा बैटर ना बन जाए तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके का बैटर होना चाहिए आप लोगों का। ये देख दोस्तों, जो हमारा बैटर होगा वो ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा बैटर एकदम बन के रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल के ऑयल को बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों, अब हम इसमें बैटर को ढाल देंगे। बैटर ढालने के लिए दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके का एक चम्मच लेना है जो एकदम गोल होगा, क्योंकि पकवान गोल ही बनता है, इसलिए तो आपको बहुत ही इजी पड़ जाएगा पकवान बनाने के लिए। तो आप इस तरीके का चम्मच का ही यूज कीजिए। थोड़ी देर बाद ये अपने आप थोड़ा थोड़ा फूलने लगेगा, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए। तो जब ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगे तो इसको इस तरीके से पलट दे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पलट दिया है। अब इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है दोस्तों, अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखा ना दोस्तों, इसे बनाना कितना इजी है। अब बचे हुए बैटर का भी पकवान हम बना लेंगे। तो हमारे सारे पकवान बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे मीठे मीठे आम का पकवान बनके रेडी हो गया है। तो आप इस खास पकवान को किसी फेस्टिवल या किसी खास दिन पे बना सकते हो। जब आपका मीठा खाने का मन करे ना, तब आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, यकीनन ये पकवान आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।